इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि हम जहाँ हैं वहाँ क्या करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जॉब और कैरियर में कैसे आनंद प्राप्त करें, ठीक। और मैं अभी चर्चा जिस पर कर रहा था वो बात बताइए कि ज़्यादा ढिलाई करेंगे, इलेक्ट्रिशियन की भाषा में तार ढीले होंगे तो भी फॉल्ट है, और ज़्यादा लोड होगा तो भी फॉल्ट है, और आपका जीवन आपके लिए है और आपके परिवार के लिए है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि हम जहाँ हैं वहाँ क्या करते हैं। अभी आपने, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार तुम आप में से कोई दो बेस्ट बता दो, दो ऐसे बता दो जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, ऐसे सवाल किए उल्टे सीधे। आप यकीन मानिए उसको तुरंत बताने में दिक्कतें आ गई, सोचना पड़ा। आपको कभी सोचना पड़ता है कि अचानक उठ के दूध लेने जाना है सुबह, रोज आप भी जाते हैं तो आप कभी सोचते नहीं है बाल्टी कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रखी है, या साइकिल जिससे जाते हैं मुफलर कहाँ रखा है, ऐसी ठंड में कहाँ जा रहे हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि तो आपको करना है कि साहब मैं अब 40 साल का हो गया, मुझ में सुधार नहीं हो सकता। आपको मालूम है रिटायर होने के बाद, अभी एक सज्जन ने नीट की परीक्षा दी, रिटायर होने के बाद कई लोगों ने LLB की, एक शौक था, एक पैशन था, यार कोर्ट में बैठेंगे सब, सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। रिटायरमेंट के बाद यानी 60 साल का तो 62 का तो हो ही गया होगा। अब आपके ऊपर तय है आज कि परिवर्तन आपसे शुरू होना है या आपके परिवार से शुरू होना है। अब परिवार में आप परिवर्तन चाहेंगे तो नहीं होगा, आप पूरे इंस्टीट्यूट में परिवर्तन चाहेंगे नहीं होगा। मैंने अभी एक उंगली ऐसे कर दी, ठीक है, मैं किसी की तरफ कर रहा हूं, आप उसको अन्यथा मत लेना, मैंने किसी की तरफ की और मैंने इस वक्त करके उससे एप्रिशिएट वाले शब्द बोले, शाबाश वेदिका, तो ये उंगली पॉजिटिव हो गई। और एक उंगली इधर कर दी, तुमने काम बहुत गलत किया है या अच्छा नहीं किया है, गुस्सा हो गया, वही उंगली केवल यहां से निकले हुए शब्द, कितना बड़ा अंतर ला गया, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा ढंग से, उंगली वही थी। कहते साहब उंगली मत दिखाओ, कहते हैं ना लोग, कहते हैं साहब उंगली दिखा के बात करोगे तो पारा चढ़ जाएगा। जॉब के अंदर या घर में ये उंगली देखने दिखाने का काम तो चलता है, चार जगह बर्तन होंगे तो खटकेंगे, तो क्या करना है भाई, बर्तन तो है ही, खटकेंगे तो है ही, तो क्या करना है। करने जैसे बाबा बाबा हुआ करते थे हमारे, बाबा जानते हो बाबा क्या काम करते थे, बाबा का बड़ा रोल होता था, लड़ाई झगड़ा करके खेत वेत का कुछ मामला बंटवारा हुआ, बाबा आए, बाबा ने कह दिया नहीं जे ऐसे जे 2 बीघा जाकर 3 बीघा जाकर 2 बीघा, बाबा की बात पे नहीं आ रहे, चाहे बाबा को घुसघुसाते रहो लेकिन अब कह दी तो कह दी। शांति और खुशी पाने के 7 तरीके आज इसी पे डिस्कस। पहली बात तो ये मुझे बता दे, सुरेंद्र बताएंगे कि शांति कौन होती है, शांति क्या होती है। इस वक्त हम बैठे हैं, मैं अगर थोड़ा पॉज कर लूं तो क्या है यहाँ, अभी एक मिनट सुनना, उस आवाज को मत सुनना, यहाँ की हलचल को सुनना भाई, कुछ सेकंड के लिए चुप हो रहा हूं। अभी आपने देखा आपका दिमाग ये खोजने की कोशिश कर रहा था आवाज कहां से आ रही है। अभी यहां का मैंने कहा था यहां ध्यान रखना, फिर भी 99% लोग वहां की आवाज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा भी यही हाल है, हाल यही है कि हम क्या करते हैं, हम कितने खुश हैं इस बात की खुशी नहीं है, वो दूसरा कितना सुखी है उससे जल रहे हैं। यार वो तो हमारे, उसको तो यार इतनी सैलरी मिलती है, अबे तुझे तो जितनी मिली उतनी मिलनी है, फिर क्यों, या तो प्रयास ऐसा कर कि मैं क्यों नहीं बन सकता, ये प्रयास में दबेनी 10 से 4 आएगा चला जाएगा, फिर कौन साहब कुछ अलग तो करना पड़ेगा। तो पहली शांति का जो है ना, स्वयं को जो पाएंगे और स्वयं जैसा बनेंगे वैसे दुनिया सोचेगी। आप अपनी जिंदगी में दूसरे का दखल देंगे तभी दखल होगा, एक बार आप रोक दो
दखल मांगे। दूसरा कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो कल मैं डेल कार्नेगी को पढ़ रहा था। डेल कार्नेगी वो व्यक्ति है जिन्होंने अरबपति खुद बने और कई अरबपति बनाए, बहुत सारी किताबें, उसमें से मुझे चार अच्छी बातें लिखी, मैंने नोट कर दी और कोशिश मैं भी करता हूँ उस सही मैं भी अमल करूँ। पहली है जो हम काम करने वाले उनके लिए, अपने डेस्क से उन सारे कागजों और फाइलों को हटा दीजिए जो सामने पड़े हुए काम के वक्त उस वक्त जरूरी नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है। इन्होंने कोटेशन दिया, व्यवस्था स्वर्ग का पहला नियम है। अव्यवस्थित चीजें होंगी, आकर तनाव में आएंगे तो आप किसी को गुस्सा करेंगे, किसी को कुछ करेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। यानी जो फाइलें आज काम की हैं वो सामने रहे, बाकी सब अलमारी। दस कई लोगों की आदत होती है, दस फाइलें रख लेंगे और जो भी आएगा और सब जो बड़ा काम कर रहा है दस फाइल रखेंगे, अरे तू कुछ काम नहीं कर रहा, न तुझे दिया वो काम कर रहा है ना ये काम कर रहा। तो पहला नियम समझ लो काम करने का, खुशी रहने का, शांति रहने का, जो काम जिस दिन दिया है वही फाइल वहां रहनी चाहिए। उस हो गया काम उसको हटा के हटा दो वहां से, दूसरी आ जाए। आप दस फाइलें के साथ दसों फाइल करूंगा और आपके सामने रखी है तो आप एक भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहा जो अरबपति हो चुका है। दूसरा चीजों को, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे बीच में भी ये दिक्कतें आती हैं, चीजों को प्रायोरिटी हिसाब से कौन सा आज जरूरी है वो तय करना। बोले साहब ये क्या बात है। तो एक बात तो आप समझ लो कि आपको अगर तीन काम मिले और एक को एक काम नहीं मिला है तो आप उस संस्था में काबिल हैं। काबिल हैं इसलिए आपको तीन काम मिल गए। काम की तलाश में तो आप यहां आए हो भैया, अगर काम की तलाश में नहीं आते तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती। बिना काम का कोई तनख्वाह दे रहा है क्या? और आपको दस में से एक व्यक्ति को तीन मिल रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर काबिलियत है। तो अब क्या भैया वो काबिलियत वाला तो मर जाएगा? सब तनख्वाह मेरी बराबर है, मेरे को तीन काम है तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़ेगी प्रूफ करने से। तो इनका दूसरा नियम है प्रमुखता से आपको टैकल करना है। प्रमुखता कैसे? प्रमुखता पद की नहीं काम की। तो काम को प्रायोरिटी वो डिसाइड करे जिसको तीन काम मिले, समझ रहे? ये दोनों पोस्ट पे जो इधर भी हैं उनके लिए दोनों के लिए बात बराबर कही जा रही है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब कोई समस्या आए तो उसी समय सुल जाए और अगर आपके पास तथ्य हो तो निर्णय लें, निर्णय को टाले नहीं। होता क्या इंडियन कल्चर में, भारतीय कल्चर में, अरे यार छोड़ो यार ये बात तो कल देखेंगे, समस्या आज है, मन मुटाव आज है, कल पता नहीं वो अग्नि में कौन घी डाल जाए। अरे आजकल बड़ा जमाना खराब है, कौन घी डाल जाए और उस अग्नि को, अभी तो शांति, वो घी डल के तो कल तो और बम्बारमेंट हो जाए। और जिसकी दिक्कत जिससे है उससे ही बात करें, ये ध्यान रखो। अगर पति पत्नी की भी दिक्कत है ना तो अपने भाई से साझा मत करो, पत्नी दौरानी से ना करे या अपने ससुराल वालों से ना करे, अपने से जिससे दिक्कत है उससे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने इस काम को किया। एक है संयोजित करना, काम करना और संचालित करना सीखें। इसका मतलब क्या कि जब वो सब लोग ये कह रहे हैं ये कर रहा है तो इसका मतलब आपसे अलग कर रहा है। तो जब आपसे अलग कर रहा है तो वो अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो उसकी जैन मन और आप करते हैं तो आपकी जैन मन नहीं है। आप तीन काम भी लेना नहीं चाहते, आप प्रायोरिटी सेट करना नहीं चाहते और आपके बारे में पूछा जाता है कई अलग अलग लोगों से तो आपका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इसका मतलब काम आपको अपने पे करना है, अपने व्यक्तित्व करना है पहले, तब तो हम डिमांड करेंगे। देखिए आपको मान लो कोई भी टीम से काम करती है तो ऑलराउंडर चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलराउंडर नहीं चाहिए। फ्रांस हार गई, मेसी एम्बापे दो नाम थे, एम्बापे ने अच्छा खेला फिर भी वो टीम को नहीं जीता पाया फ्रांस। और मेसी का सपना था, 30 साल से अधिक से जीती नहीं थी अर्जेंटीना, और मेसी का इतना जबरदस्त वो पूरी टीम का योगदान था, अर्जेंटीना में क्या भव्य स्वागत हुआ। मेसी के नाम से
पूरी टीम एकजुट थी, वो क्या था कि वो टीम को लेके चलता था, और टीम को लेने की जिम्मेदारी केवल अकेली एक तरफ की नहीं है, इस तरफ बैठे उसकी भी और उस तरफ बैठे उसकी भी। ठीक, कब थकते हैं हम? जब आपको कोई काम दिया है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है तो आपका थकना निश्चित है। और थकावट शरीर से नहीं आती, वो तो बाद में परिलक्षित होती है, मानसिक और इमोशनल, मेंटली और इमोशनल थकावट आपकी शारीरिक थकावट की जिम्मेदार है। आप जितने मेंटली थकेंगे आपके शरीर में भी आने लगेगा, दर्द हो रहा है, और आप मेंटली मजबूत हो जाओगे कुछ नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि काम करते वक्त बीच में आराम भी करना है। कैसे आराम? ऐसा नहीं कि वो बंद करके अब तो हम कुछ ना कर रहे हैं। आराम का मतलब है कि जैसे कि अभी हमने किया था, अभी स्टेरिंग के पार्ट्स को शुरू किया था तो हमने किसी ने गीत गुनगुनाए क्योंकि हमारे पास चीजें आ रही थी ना, तो हमने बीच में टाइम को मैनेज किया। एक करते साहब बोरियत वाला काम है, मुझे जो दिया जाता है ना बोरियत वाला काम, तो बोरियत कैसे काम दूर करेंगे हम बताओ? कंपनी लोकोमोटिव मोटर्स, आप चूंकि टेक्निकल है इसलिए आपके बारे में बता दूं, तो उसमें एक सैम है, सैम उनका नाम, सैमुअल बॉकलाइन नाम बताया है इसमें, और खराब जानते हो खराब जी, खराब के मिस्त्री, लेट मशीन, तो खराब का जो मिस्त्री होता है, मैं तो टेक्निकल नहीं हूं लेकिन मैं इतना समझ गया खराब कुछ टेक्निकल वर्ड है, मिस्त्री होगा वो लेबर टाइप ही होता है। ऐसे ही वो एक सैम था, वो खराब का मिस्त्री था, ये सच्ची कहानी है, उस किताब की कहानी है। तो उस सैम ने क्या किया कि अपना कंपटीशन पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया। बॉस खराब का मिस्त्री था, बॉस ने उसको लोड दिया, उसने पहले बेमन से काम किया तो कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाया, लेकिन उसका सपना था कि यार इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूं। तो वो कहते हैं शेख चिल्ली, हमारे यहाँ कहते हैं शेख चिल्ली, भुंगेरी लाल के सपने बन गए, अक्सर आपको हतोत्साहित करने वाले यही कहेंगे, जब आप कुछ अलग करेंगे ना तो आपको हतोत्साहित करने वाले यही कहेंगे। सैम ने क्या किया, क्यों खराब के मिस्त्री ऐसे ऐसे लगी हुई थी, उसने बनाना शुरू किया, तो उसने अपना कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अपने बगल वाले खराबी से शुरू कर दिया। वो 10 बनाता वो 20 बनाता, तो उसका जो सुपरवाइजर था उसने देखा यार मिस्त्री दोनों ही है, दोनों ही समान तनखा है, लेकिन ये मामला अलग कर रहा है, यानी इसमें कुछ अलग स्किल है, उसका प्रमोशन कर दिया, उसको उसका सुपरवाइजर बना दिया 10 लोगों का। अब उसने सुपरवाइजर, ऐसे 4 सुपरवाइजर और थे, अब सैम तो चूंकि और सुपरवाइजर डिप्लोमा वाले थे, ये बेचारा मिस्त्री वाला था, आईटी वाला समझ लो, तो इसकी वैल्यू उनसे अलग थी, कम थी, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसने उन 3 सुपरवाइजर जितना प्रोडक्शन करते थे उनका मिला के इसने अकेले कर दिया। तो अब तो नजर में आया, डिग्री कम होने के बावजूद कंपनी को दुगना फायदा देने के कारण उसका फिर प्रमोशन कर दिया, एक मिस्त्री का प्रमोशन हो रहा है, और उसका सपना क्या था, मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनूं, जो लोग कहते थे शेख चिल्ली है कैसे बन जाएगा। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि सैम एक दिन उसी कंपनी का 25-30 साल बाद प्रेसिडेंट बन गया। मैं चाहता हूं कि एक बार सैम के लिए ताली बजनी चाहिए। तो ये एक काम था, यानी कि आपकी सोच क्या कहती है, उसने उस प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अब अगली बात, 1 करोड़ के बदले आप बोल देंगे जो आपके पास है, क्या दे सकते हैं आप बताओ? समय। समय देखिए, आपके जीवन में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, आपके आशीर्वाद जितने मिल रहे हैं उनको तो याद रखें, आपको आशीर्वाद मम्मी दें, पापा दें, पड़ोसी दें, दुआएं, आपको दुआएं याद रखनी है, मुसीबतों को भूल जाना है, और उल्टा होता है, हमें मुसीबत तो याद रहती है आशीर्वाद भूल जाते हैं। और वो 1 करोड़ की चीज है, किसी को किसी काम के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कहना, चाहे आपका पेन गिर गया, पेन उठा के दे दिया तो आपके मुंह से एक वर्ड निकालना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने कोई काम कर दिया किसी का, 1 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यूएबल शब्द, और धन्यवाद दुआ को काम करता है।